저는 아마요. और मैं रजा हारून साहब से दरख्वास्त की कि स्टेज पे तशरीफ लाएं और शेर वसूल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपने दरख्वास्त करूंगी कि अपने ख्यालात का इजहार करें। तालिब इल्म हो या तालिबा हो, वो फिक्र रखता है, उसको फिक्र है कल की, और उसको वो अपनी हर कोशिश में, अपनी हर काविश में, जहाँ उसको मौका मिल रहा है, जहाँ उसको स्टेज या प्लेटफॉर्म दस्तियाब हो रहा है, वो बड़ों को ये बता रहा है कि पाकिस्तान में क्या बुराइयाँ हैं, पाकिस्तान में किस तरीके से तकसीम दर तकसीम करके पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा दिया गया है, किस तरह हमारे मुल्क को ज़रूरत है यकजहती की, किस तरह हमारे मुल्क को ज़रूरत है उस इत्तेहाद की कि जिसको आज हम, मैं कम से कम जो है अपनी तमाम उम्र ढूंढता रहा हूँ, मुझे तो नहीं मिला। उम्मीद करता हूँ कि आप इस एज में जिस अज़म को लेकर आपने यहाँ मुजाहरे किए हैं, जो आपने यहाँ टैबलोस दिखाए हैं, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुने, कामयाब हो और पाकिस्तान का भला हो। चंद ज़रूरी निसाबी किताबों को अगर सिर्फ पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें तारीख सही नहीं नज़र आएगी। तारीख में तुम्हें कोई नहीं बताएगा निसाबी किताबों में कि सही में हुआ क्या था और किस तरीके से। तुम में से कोई भी, शायद ख़ासतौर पर स्टूडेंट से मुखातिब हूँ, आगे की रो में बैठे हुए लोगों के सामने, तो ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जो जिन्ना साहब ने बनाया था। ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था। वो पाकिस्तान सन 1971 में दो लख हो चुका, जिस बांग्लादेश के साथ अभी आपने फाइनल खेला एशिया कप का, ये बांग्लादेश आपका मशरकी पाकिस्तान का हिस्सा था, ये आज बांग्लादेश है, ये एक अलहदा मुल्क है। उस मुल्क के साथ आपने एशिया कप का फाइनल खेला है, दो ममालिक के दरमियान फाइनल हुआ है, जिनमें से एक मुल्क हमारा एक सूबे का हिस्सा रखता था पैरिटी की बुनियाद पर। हमसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की जो आबादी है, उस वक्त भी जो पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान की आबादी थी, उससे भी ज़्यादा आबादी मशरकी पाकिस्तान की भी। मगरबी पाकिस्तान की अकलियत ने मशरकी पाकिस्तान की अक्सरियत को गद्दार करार दिया, उनको बुरे बुरे नामों से पुकारा, उनके हकूक उनको नहीं दिए, उनका जायज़ हिस्सा उनको नहीं दिया, उन पर जुल्म किया, उन पर सितम किया, उन पर फौजी ऑपरेशन किया, लाखों अफराद का कत्लेआम हुआ है, ये हमारे इस पाकिस्तान में हुआ है, इक्तदार के हुसूल के लिए हुआ है। और नतीजा, जब भी कौमियतों को, कौमों को, नस्लों को हकूक नहीं मिलते, डेप्रिवेशन होती है, आइसोलेशन होती है, तो उस माहौल में फिर घुटन पैदा होती है और उस माहौल में फिर जीते जागते इंसान अपने हक के लिए खड़े हो जाते हैं। तो आज का बांग्लादेश अगर हमारी आंखें नहीं खोल सका 71 से आज तक, तो अब आज हमारे सामने बलूचिस्तान तैयार है, आज हमारे सामने सरायकी सूबे के लिए लोग आवाज उठा रहे हैं। अगर उनको सरायकी सूबा नहीं मिला तो फिर आप समझ लो एक सरायकी सूबा भी तैयार है, वतन तैयार हो रहे हैं, मुख्तलिफ वतन हमारे मुल्क में तैयार हो रहे हैं, और हमारे लोग, हमारे इक्तदार पर काबिज लोग, हमारी इस्टेब्लिशमेंट। बेटा, ये बातें बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे टैबलोज का मौजू ये नहीं होता तो मैं इस पर बात नहीं करता, मैं तुमसे अच्छी अच्छी बातें करके चला जाता, लेकिन चूंकि तुम सोच उस डायरेक्शन में रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी सोच को मजीद क्लैरिफाई करूँ कि ये वो पाकिस्तान क्यों 71 में दो लख्त हो गया। मतलब 51% आबादी थी पाकिस्तान की मशरकी पाकिस्तान में, ज्यादा आबादी वहां की थी, उन्होंने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। पाकिस्तान के जो मौजूदा चार सूबे हैं, इसमें सिर्फ सिंध ने, तारीख की हकीकत बता रहा हूं कि सिर्फ सिंध ने आजादी से पहले पाकिस्तान के हक में करारदाद पास करी, बाकी तीनों सूबों से नहीं हुई थी, और बंगाल ने की थी, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान। आज वो सूबा जिसने पाकिस्तान के हक में करारदाद अक्सरियत से पास कराई, वो अलहदा मुल्क है। टोटली फेल कर दिया। गर्व की बात है कि एक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की प्रीवियस में मैं खड़ा हूँ,
हुकूमत का वजीर मांग रहे हैं। 21वीं सदी में आपके कॉलेज के अंदर हुकूमत एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी आ रही है, तो ये मुल्क तरक्की करेगा या पीछे जाएगा? तो मुझे कितने बगैर कंप्यूटर के दोस्तियां नहीं हो सकती है ना? सोशल मीडिया है, सी हो रही है, फ्रेंड रिक्वेस्ट। ध्यान से बनाना, चीदा को दोस्त बना रहे ना, उसे रशीद। और तो मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, को ये एहसास हो जाता है कि गवर्नमेंट डिग्री, इतना बड़ा नाम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज सेक्टर 11 आई नॉर्थ कराची, एक कंप्यूटर नहीं है। इक्तदार पे बैठे हुए लोगों के लिए शर्म की बात है, मेरे जैसे लोगों के लिए भी है, लेकिन मैं वादा करके जा रहा हूं कि आ जाएगा कंप्यूटर। लेकिन क्या हमारे साथ किसी शादी में यहाँ के एमएलए भी है और मेरे जैसे जिम्मेदार है, के पास ये ऑप्शन नहीं है। तुमने अगर इसको मजाक समझ के आगे छोड़ने की कोशिश की तो फिर आगे कुछ नहीं बचेगा। मेरे तक ये शायद मजाक था, मैंने मजाक लिया और शायद मैंने इस मजाक को, लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि अगर तुम लोगों ने इसको मजाक ले लिया, इसलिए तुम्हारी जनरेशन पे ज्यादा जिम्मेदारियां, आई एम अफ्रेड, आई एम सॉरी टू से, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, तुम्हारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। तुमने जिस तरीके से आज यहाँ अपने अजम का इजहार किया, इसी अजम के इजहार के साथ इस पाकिस्तान को बचाना है, और पाकिस्तान को बचाने के लिए चार अहम चीज़ें हैं। जब तक ये चार चीज़ें नहीं होंगी, जब तक पाकिस्तान नहीं बचेगा, पीरियड, नहीं बचेगा। हम ड्रामेबाजी से आंख बंद करके अगर बैठ जाएंगे कि जी सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, तो है ना कि कौमों की हालत तो खुदा भी नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत ना बदलना चाहे। नंबर एक, इस मुल्क की जो बुराई है वो उस मुल्क का फरसूदा जागीरदाराना वडेराना सिस्टम है। ये खत्म नहीं होगा बेटा, तो ये गंदगी का ढेर है, ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर स्प्रे मारते जाओ, एयर फ्रेशनर मारते जाओ, कारपेट बिछा दो, सब कुछ करते जाओ, इसके होते हुए तरक्की करने के ख्वाब देखो, तो फिर वो सिर्फ ख्वाब है, तरक्की नहीं होगी। इस मुल्क से इस सिस्टम को जाना है, खत्म होना। नंबर टू इस मुल्क से इस बात को खत्म होना है कि रजा हारून, फिर उसका बेटा, फिर उसका भाई, फिर उसका दामाद, फिर उसकी बेटी, इन सबको सियासत में MNA MPA बनना है। ये खानदानी सियासत का सिस्टम इस मुल्क से खत्म होना है। जो भी करता है, मैंने अपना नाम इसीलिए लिया कि मैं किसी और का नाम ना लूं, कि जो भी ये काम करता है कि अपने खानदान को प्रमोट करता है, अपने खानदान से आगे उसको लोग नजर नहीं आते, जब तक ये सिस्टम रहेगा ये मुल्क नहीं बदलेगा, मैं और आप चाहे कुछ भी कर लें। तीसरी बात, किसी और पॉलिटिकल पार्टी के में इनके पास चांस ही नहीं है कि ये MNA PA बन जाए। ये चांस ही हम जैसे गरीब मुतवस्सित तबके के लोगों का, ये चांस ही सिर्फ MQM में, और ये चांस हमें देते ही सिर्फ अल्ताफ भाई, इसके अलावा कोई लीडर नहीं दे सकता। लिहाजा स्ट्रगल करनी है तो स्ट्रगल करने के लिए सोचो किसके साथ मिलना है, किसके नजरियात को फॉलो करना है। बहुत सारी बातें हैं, मैं बस इस दुआ के साथ कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बुराई है, एक बुराई नहीं बहुत बुराई है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में अच्छाइयां बहुत हैं, हमारे पाकिस्तान में अच्छाइयाँ बहुत हैं, हमारे पाकिस्तान में एक बड़ा वाइब्रेंट यूथ है आज के दौर में, 51%, 52%, तुम लोग बहुत ज़्यादा तादाद में हो, तुम लोग बहुत तब्दीली ला सकते हो। हमारे पाकिस्तान में चारों वेदर्स हैं, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में, सही बता रहा हूँ, बहुत सारे दुनिया के ममालिक में या तो सर्दी है या गर्मी, हमारे मुल्क में चारों वेदर मिल जाते हैं। हमारे मुल्क में पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, समुंदर हैं, दरिया हैं, वादियाँ हैं, खूबसूरत नारान, कागान, सैफुल मुलूक, ये आप जाओ, खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं। हमारे मुल्क में मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं, सोना है, कोयला है, ऑयल है, सब कुछ है, पत्थर है, नीलम है, बेहतरीन कपास हमारे यहाँ होती है, कॉटन होती है, बेहतरीन हमारे यहाँ आम होता है, बेहतरीन फ्रूट होते हैं। क्या वजह है कि इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा? वजह यह है कि हम सबको इस मुल्क के अंदर, जिस तरह पहले टैबलों में कहा, मैं भी ढूंढता रहता हूँ कि पाकिस्तान तो बन गया, वतन तो बन गया, पाकिस्तानी नहीं बन पाए। हम सब पाकिस्तानी बन जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे अर्जेंटली, मैं बस निकल जाऊंगा आप लोगों के पास से, तो आप सबको सलाम कर लूं, आप सबको दुआएं दे दूं बहुत बहुत, और आप सबसे उम्मीदें रखूँ कि अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोगों को बहुत सारा काम करना है, अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि शायद हमसे हमारे बड़े जो हैं वो हमें कुछ दे के नहीं जा सके, लेकिन आप अपने मुल्क के लिए, अपने लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करना होगी।
थैंक यू वेरी मच पाकिस्तान। देख रहे हैं कि तमाम बच्चे हैं माशाल्लाह खुश हैं, और इस माहौल में जिस माहौल में हम रह रहे हैं, खासकर मैं कराची की बात करूंगा, मुल्क में तो इंतशार है ही, दहशतगर्दी भी है और हर किस्म की जो है वो जराइम भी है, करप्शन भी है। जिस जराइम और करप्शन और दहशतगर्दी से हम सब मिलकर लड़ रहे हैं वो सब आपके सामने हैं। हम किस तरह कोशिशें कर रहे हैं, खासकर कराची में कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, जिनकी वजह से जो है वो काफ़ी चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में चल रही हैं। और आज हमारी इस तकरीब के मेहमान खास सरपरस्त रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब अब्दुल वसीम भाई तशरीफ ला चुके हैं। खिदमत खालिक और इन दोस्ती के जज्बे से सरशार अब्दुल वसीम भाई हमारे समाजी उम्मीद के मसाइल के हल में ज़ाती तौर पर दिलचस्पी रखते हैं। हम अपने इदारे से आपके इस खलूस पर तहरीर से मशहूर हैं। उसे बेहतर किया जाए और तमाम लोग जितनी भी कौमियत इस मुल्क में आबाद हैं या इस मुल्क में रह रही हैं, उन तमाम लोगों को मेरा यही मैसेज है कि हम सब मिलकर एक होंगे तो पाकिस्तानी कहलाएंगे, तो पाकिस्तान होगा। और अगर हम इसी तरह इस मुल्क में लड़ते रहे और हमें लड़ाया जाता रहा और हमसे खेलते रहे और हमें दहशतगर्द और करप्शन ज़्यादा बनाया जाता रहा, तो फिर हम इस मुल्क से भी जो माजी में हमसे खो चुका है आधा मुल्क, मज़ीद हम मुल्क को खो देंगे। तो मैं यही कहूँगा तमाम लोगों से कि हमें एक कौम बनना है, एक पाकिस्तानी बनना है और इस मुल्क की खिदमत करनी है। आप देखें कि मस्बत कोई भी चीज़ होती है पूरी कौम एक हो जाती है, परेशानी कोई भी होती है पूरी कौम एक हो जाती है। तो कौम में ये पोटेंशियल मौजूद है, सिर्फ हमें तमाम जितने सियासतदान हैं, तमाम जो हुक्मरान हैं, एक होना पड़ेगा, एक जहन होना पड़ेगा, एक सोच होना पड़ेगा और ये मुल्क आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। आज की तकरीब आपके सामने है कि ये बच्चे तमाम कौमियों से यहाँ मौजूद हैं और तमाम किस्म के गरीब भी हैं, इसमें मुतवस्सित तबके के लोग भी हैं और बहुत सारी ऐसी बच्चियाँ भी हैं जो बड़ी मुश्किल से किराए से जो है वो कॉलेज तक आ पाती हैं और हफ्ते में दो दिन तीन दिन जो है वो आती हैं और दो दिन शायद वो ना भी आ पाती हों क्योंकि उनके पास इतना फंड नहीं होता। तो मैं उन इदारों से भी कि जो इन इदारों को चला रहे हैं, जो इन इदारों में रह रहे हैं, जो इन इदारों से तनख्वाहें ले रहे हैं, जो इन इदारों से करप्शन कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा खुदारा कि ये मुल्क का मुस्तकबिल है। एजुकेशन मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी होती है और पाकिस्तान में जिस तरह एजुकेशन के साथ किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि हम उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, इन बच्चों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं कि जहाँ पर कंप्यूटर भी जो है वो कॉलेज में मौजूद नहीं है, स्कूल की तो बात दूसरी है। तो हमें सिर्फ तवज्जो देनी है खुदारा इन बच्चों के तालीम की तरफ तवज्जो देनी है, इनकी जो है वो डिग्री, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ये कॉलेज डिग्री भी हो जाएगा। लेकिन ये कि हमें अफसोस ये है कि मतलब जो इदारे इसको चला रहे हैं वो क्यों उस तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, वो क्यों इनकी तरफ जो है वो नज़र-ए-करम नहीं कर रहे कि ये बच्चा जो है मुस्तकबिल है आपका, यही पाकिस्तान है। अगर हम किसी पाकिस्तान को ही अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं तो ये पाकिस्तानी है। हम जिनके पास ये मिनिस्ट्री है मैं यही कहूँगा, मैं उनसे यही कह रहा हूँ, मैं उसी हवाले से ये बात कह रहा हूँ, बल्कि एक आम आदमी बनकर भी ये बात कह रहा हूँ कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चा मेरा ही मेरा क्यों ना हो, मेरा बच्चा अगर किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो ये भी आपकी कौम के बच्चे हैं, आप कौम के जो है नुमाइंदे, मेरा फर्ज है कि वो हल करूँ। और इसी तरह मैं उन मिनिस्टर से भी कहूँगा कि उनकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि ये बच्चे उनकी जिम्मेदारी है, उनके पास वो मिनिस्ट्री है कि कहाँ पर जो है प्रॉब्लम है, कहाँ पर जो है वो बच्चा सेकेंड ईयर कॉमर्स की खराबियाँ हैं, वो सब हमें पूरी करनी है। तो मैं उनसे ये कॉमर्स की तालबा ड्रामा पेश करेंगी, कामों की काम अभी बाकी पूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। तो ये ना समझे कोई कि हमने अगर कोई काम कर दिया तो काम मुकम्मल हो गया, अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। हम तरक्की पजीर होते होते फिर पीछे हट गए, जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए। हम तरक्की पजीर हो गए थे, होना शुरू हो गए थे, हमें तालीम आम होने लगी थी, लोग तालीम याफ्ता होने लगे थे, तालीम याफ्ता लोग शो बिज़नेस से लेके खेल तक और खेल से लेके सियासत तक में आने शुरू हो गए थे। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे क्योंकि मेरा ताल्लुक़ ज़ाहिर ऐसी ऐसे शोबे से है कि जो एंटरटेनमेंट कहलाता है और एंटरटेनमेंट के ज़रिए आप दुनिया के कोने कोने में हर पैगाम पहुँचा सकते हैं, अमन का, मोहब्बत का, आशती का। जैसा कि वसीम भाई ने फरमाया कि एक एक की ज़रूरत, एक एक की एक का कैसे होता है तालीम से। अब ये मसाइल है और बहुत अच्छी हमारे दरमियान मौजूद हैं शौबिल के नामवर सितारा फैजल काजी साहब, सचमुच से शौरत की बुलंदियों को छूने के बाद
अब तरक्की की राह पर गामजन है। हम अपने इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गली के कोने का जो दूसरा मकान है ना, सुना है बड़े मशकूक लोग आए हैं वहाँ। हाँ सुना तो मैंने भी है, आपने क्या सुना है? यही बेटा के मशकूक लोग हैं। असल सरगर्मियाँ तो रातों को होती हैं, बल्कि हसन साहब ने तो अपनी बालकनी से ये तक देखा है कि आधी रात को घर से गाड़ी लगाई और एक बड़ा सा बोरा डालकर कहीं ले गए और सबके चेहरे भी ढके हुए थे। अरे बस, और यही बात कुछ दिन पहले मैं अम्मी जान को बता चुकी हूँ, लेकिन मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। बाबा पुलिस को इतना देनी चाहिए। कोई दे ही ना दे। मैं दे सकती हूँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपनी चोचना बंद रखो। क्यों? तुम जाओ यहाँ से। लेकिन आप सुना नहीं तुमने? बेटा मसलियत का तकाजा है, सबको मालूम है ऐसे खतरनाक लोगों से टक्कर लेना। से प्यार करना सिखाया तो फिर क्यों? बेटा तुम नहीं जानते ये लोग। बाबा इस मुल्क का यही तो अलमिया है, हर एक को बस अपनी फिक्र है, सिर्फ अपनी जात की। ये दुश्मन आने वतन सलामत रखे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, अपने घर को बर्बाद होता नहीं देख सकती। मैं अपने घर को बर्बाद होता नहीं देख सकती, मगर अगर ऐसा ना किया तो वतन अजीज़ के हज़ारों घर बर्बाद हो जाएंगे, कितनी सुहागने बेवा हो जाएंगी, कितने बच्चे यतीम हो जाएंगे। नहीं, मुझे ही वो पहला दीप बनना पड़ेगा जिसकी लौ से लातादाद दीपों ने रोशनी करनी है, हर तरफ चरागा करना है। मैं अभी इन लोगों के लिए कुछ करती हूँ। कहते हैं आप, उनकी माओं की दुआएं होगी जो वो भी कत्ल होने से बच गए। पुलिस ने बरवक्त काम कर दिया। हाँ, अगर इसी तरह पुलिस अपना किरदार अदा करे तो इस मुल्क में अमन अमान कायम हो जाए। ठीक कहते हैं आप। बहुत मैंने जो किया सही किया, मेरी जिंदगी का मकसद है पूरा हो चुका है, अब मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं। अच्छा, कोई परवाह नहीं। हसन, हम तेरी बेटियों को कभी कम ना होने देंगे, तेरे परचम को कभी कम ना होने देंगे, हम तेरी बेटियों। अब क्या खड़क खड़क बातें ही बना था? चलो चल चलो, जगह ही ना मिला रहे। चलक चलक भाई चलक। तभी कमाल के आदमी हुआ था। आओ देखा ना ताओ, जब से अपनी बात बोल डाली। अरे भैया सही कह रहे, तो फिरंगियन बल्कि हिंदुओं को भी ये बात का अंदाजा हो जाएगा कि मुसलमान अलग वतन लिए बगैर बाज ना आवे थे। ठीक कहते हो मियाँ, ऐसी ही साबित करनी चाहिए होवत है। अरे मियाँ सही कहते हो, चलो चलो। आज के जलसे माँ बड़े अहम फैसले हुए थे। को खबर नहीं है, हम इनका जोश कुछ न कुछ जरूर करे थे। अरे हाँ भैया, ये बार मुसलमानन में बड़ा जोश है। अरे भैया हमारा पान तो ले लीजियो। अरे भैया पान वान को छोड़त, अभी चलत कहीं जलसा शुरू ना। अरे भैया हमारे पान बगैर जलसा में मजा ना आवे है। अरे भैया पान भी खिलाई देवेंगे, अभी तो चलत चलत इलाहाबाद का जलसा। यस, आप लोग इलाहाबाद के जलसे में जा रहे हैं? हाँ बेटा, मुझे भी अपने साथ ले चले। चलत बेटा। कम अज कम शुमाली मगरबी हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चले भाई, तो मजा आवत है जलसा में, बहुत मजा आवत है। बहुत बड़ा फैन हूँ सर, मैं आपकी शायरी को इतनी शौक से पढ़ता हूँ, और मैं बस क्या बताऊँ सर, मैं बयान नहीं कर पा रहा कि आप मेरे सामने खड़े, मैं अपनी खुशी को बयान नहीं कर पा रहा। अच्छा, क्या पाकिस्तान के बच्चे आज भी मेरी शायरी पढ़ते हैं? बिल्कुल सर, पाकिस्तान में आपकी शायरी तो इतनी मशहूर है और हर बच्चा आपका फैन है। क्या मैं उनके दिलों में आज भी जिंदा हूँ? बिल्कुल सर, आप अगर आज हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 11 आई में चले नॉर्थ कराची के, तो आप देखेंगे कि आपके लिए कितने लोग आपके लिए जमा हुए हुए हैं। क्यों नहीं बेटा, जरूर चलें। करते थे आपने तो बात आसानी कह दिया। इकबाल ने सोई हुई कौम को जगाया। हाँ,
ये बेदाग ही अगलो शौर की बेदाग है। ये अंग्रेजों के महकूम होने के बाद अपनी हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। शाबाश जी रुबीना, आप सुनाइए। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तुशाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। शाबाश तेरे हैं कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे। उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमन। शाबाश जी शुमाइला। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुदी ना बेज गरीब नाम ऊंचा कर। शाबाश जी फरीद। और मुझे यकीन है कि अगर इन्हें इकबाल की जरूरत है तो इनमें से कोई ना कोई एक इकबाल जरूर होगा। बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, किटी पार्टीज यू नो एंड ऑल, बहुत मसला हो जाता है यहाँ से वहाँ जाने में। अच्छा अच्छा सुनो, मुझे पार्टी से याद आया, मैंने भी अपने यहाँ जो एक वैलेंटाइन पार्टी रखी है, तुम्हें सबको आना है। लेकिन बताओ तो तुम सीरियल देख रहे हो? हाँ मुझे भी, मैंने भी सुना था बहुत ही अच्छा सीरियल है यार। इस प्यार को क्या नाम दूँ, देखो क्या चल रहा है, इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ, लुभाता है दिल को। ईद का परचम लहराया अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया ए मर्द मुजाहिद जान जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर 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 अल्लाहु अकबर। वतन पे पाकिस्तान से भी गुजार।
यमुना अली साहिबा स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। इस मेहमान जो आज इंतहाई मसरूफियत के बावजूद कि आज ये इनका दौर उरूज का दौर है और अपने करें साथ में सहबी साहिबा से साबी साहिबा से भी गुजारिश करूँगी कि स्टेज पर तशरीफ़। मेहमान मोहतरमा रानी गनी साहिबा से रीजनल डायरेक्टर कॉलेज से प्रोग्राम के लिए मिस रुबीना जोश वलवले से हिस्सा लेती रही हैं। उनको एजाजी शहरियत हासिल की अमरीका के कई शहरों की पाकिस्तान के वाहिद चंद ही आइकॉन्स में से एक आइकॉन थे। जज़ीक बंद कीजिएगा। अल्लाह ताला उनको हरी का रहमत करे। जन्नत के कई बागीचों में से एक बागीचा उनकी कब्र को भी बना दी। मैंने कहा सर खुश आमदीद आदाब अस्सलाम अलैकुम बको। मैंने कहा सर आप उर्दू के प्रोफेसर हैं बको लफ्ज़ जो है मायूब लगता है अच्छा नहीं लगता। कहने लगे मतलब की बात करो ज़्यादातर तकरीर मत झाड़ो। मैंने कहा सर आपने उर्दू पढ़ाई? जी मैंने उर्दू पढ़ाई। मैंने कहा आपने उर्दू इतनी पढ़ाई तो आपने बहुत कुछ जाना होगा। मैंने उर्दू के बारे में इतना कुछ जान लिया है कि 18 करोड़ नहीं जानती। मैंने कहा उर्दू के बारे में आप ऐसा क्या जानते हैं जो 18 करोड़ नहीं जानती? यही कि उर्दू हमारी कौमी जबान है। मैंने कहा क्या पढ़ाया आपने? खतूत गालिब। मैंने कहा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट आपने पढ़ाया। मैंने पढ़ाया खतूत गालिब और छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? कहने लगा एक तालिबे इल्म ने अजीब सा सवाल कर दिया। कहने लगा सर ये बताइए कि खतूत गालिब का मुसन्निफ कौन था? मैंने कहा तो बता देते। अबे पता होता तो मैं लानत भेजता हूँ गालिब पे। अरे मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं आप? 200 साल हो गए एक आदमी पे रिसर्च हो रही है। शायर आजम इतना बड़ा आदमी इतना बड़ा शायर कहने लगे ठरकी था। मैंने कहा ये कैसी खुदा के लिए मत करें ऐसी बातें मत। कहने लगे बकवास बंद करो तुम बच्चे हो कुछ नहीं जानते वो दीवाना भी है। मैंने कहा कैसे साबित कीजिए? कहने लगे उनकी हर किताब पे लिखा हुआ है दीवाने गालिब। तो मैंने कहा आपने ठरकी क्यों लफ्ज़ यूज़ किया? ये तो बहुत बाजारी जबान है ये तो बड़ा अजीब सा जुमला है। कहने लगा बताओ यार 75 बरस की उम्र में कह रहा है कि गो हाथ को जुम्बिश नहीं आँखों में तो दम है रहने दो अभी सागरों मीना मेरे आगे। तो मैंने कहा ये जुम्बिश नहीं आंखों में तो दम है रहने दो अभी रीमा मीरा मेरे आगे। पता लग जाता ब्रेकिंग न्यूज से कि धुआं सा कहां से उठता है। अच्छा ठीक है चलो पूछो पूछो। मैंने कहा सौदा के बारे में बताइए। हाँ ये सवाल जो है तुमने बहुत बहुत अच्छा किया सौदा ना तुम। मैंने कहा अरे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप लाइन पे आ गए सौदा के बारे में कुछ फरमाइए। कहने लगे जिस दिन मैं घर में घुसूँ
और मेरे हाथ में सौदा ना हो। एक उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आप लाहौर गए, कैसा लगा? कहने गए क्या लाहौर या कॉन्फ्रेंस? मैंने कहा कॉन्फ्रेंस। बहुत मत पूछो, छोड़ो छोड़ो, कोई कोई और दूसरा सवाल कर लो। अबे क्या अजीब उर्दू की कॉन्फ्रेंस थी, पंजाबी में शुरू हुई, अंग्रेजी में खत्म हो गई। मैंने कहा अच्छा ठहरे, कहा था? कहने लगा मैंने कहा क्या पार्टी ज्वाइन कर ली? कहने लगा बकवास मत करो, पीसी कहना चाह रहा हूँ मैं। मैं आप लोग तो कच्चे जहनों के हैं, लेकिन वसीम भाई बहुत एंजॉय कर रहे हैं, समझ रहा हूँ। और मैंने अभी जिस पीसी में ठहरा, मैंने कहा अच्छा लगा? कहने लगा बकवास, इससे अच्छा था मैं वहाँ किसी गेस्ट हाउस में ठहर जाता। मैंने कहा वहाँ फूड स्ट्रीट भी तो है, खाने पीने की जगह देखी आपने? कहने लगा नहीं, पंजाब असेंबली में जा नहीं सका। मैंने कहा मैं फूड स्ट्रीट की बात कर रहा हूँ सर, आप समझ में नहीं आ रहा आप किस किस्म की बात कर रहे हैं। कहने लगे यही तो बात है कि बात भी कर दो और बाद में भी कुछ ना हो। मैंने कहा कि अच्छा पीसी में आप ठहरे, आपको रूम बड़ा स्वीट दिया गया होगा? कहने लगे वेरी स्वीट, मगर बाथरूम वेरी बैड। मैंने कहा क्यों, क्या पानी नहीं आ रहा था, क्या प्रॉब्लम थी, क्या मसला था, आप कंप्लेन करते हैं? कहने लगे नहीं, मैंने जब वजू करने के लिए नलके के नीचे हाथ डाला पानी क्यों आया? मैंने कहा सर वो ऑटोमेटिक सेंसर्स लगे। नहीं जब टोटी है ही नहीं नलके में तो पानी क्यों आ रहा? अबे जहाँ टोटी नहीं है वहाँ पानी आ रहा है, अजीब मुल्क है, जहाँ टोटियाँ लगी है वहाँ पानी नहीं आ रहा है। मैंने कहा सर ये मेरा कसूर नहीं है, खुदा रहा बारह चलिए सेंसर लगे हुए थे, अब फिर क्या हुआ? कहने लगे बस फिर मैं बस मुझे फिर मुस्लिम शावर मैंने निकाला, प्लीज मुस्लिम शावर। मैंने कहा क्या हुआ मुस्लिम शावर से, कोई प्रॉब्लम हुई आपको? कहने लगे प्रॉब्लम, उफ मैंने जैसे ही उसका बटन पुश किया मैं पुल हो गया। तो मैंने कहा रिसेप्शन पे आप कॉल करके शिकायत करते थे? कहने लगे मैंने की रिसेप्शन पे मैंने कॉल की। और मैंने कहा भाई ये प्रेशर बहुत है भाई, और ये मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लोटा मिल जाएगा। तो कमबख्त मुझसे कहने लगा ये फरमाइए नून का भेजू या आफ का? थैंक यू सो वेरी मच, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया इज्जत अकबर का, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये बजाइए मैं आज जो कुछ हूँ पाकिस्तान की वजह से हूँ, पाकिस्तान को हटा दीजिए मेरे नाम से तो मैं जीरो हूँ। थैंक यू सो मच। शौक से तुझको चश्मे सूरत पहनने वाले फकत गुनाहों की लज्जत तू क्या जाने है एक बार, जिक्र इलाही में है सुरूर कितना।
चखी है फकत गुनाहों की लज्जत, तू क्या जाने एक बार जिक्र इलाही में है सुरूर कितना। तसर्रुफ में जहान रंग बू, क्या जमी क्या महरुमा क्या आसमाने दो बतू, देख लेंगे अपनी आंखों से तमाशा गर्ब व शर, मैंने जब गरमा दिया अक्वामे यूरोप का लहू, और है यही बेहतर इलाहियात में उलझा रहे, ये किताबे अल्लाह की ताविलात में उलझा रहे। बदन भी गिरवी गैर, अफसोस के बाकी न मकां है न मकी है, यूरोप की गुलामी पे रजामंद हुआ तू, मुझको तो गिला तुझसे है यूरोप से नहीं है। जमात की आस्तीनों में अगर चेपत है, जमात की आस्तीनों में मुझे है जिनको आता नहीं दुनिया में कोई फन तुम हो, नहीं जिस कौम को परवाए नशे मन तुम हो, सफाए देहर से बातिल को मिटाया किसने, नो इंसान को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो वो आबा तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, नहीं तेरा नशे मन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मादर इल्मी को देकर न सिर्फ इस कॉलेज की तलबात बल्कि कॉलेज की इंतजामिया की भी हिम्मत अफजाई फरमाए। एंड क्योंकि देखो और आप लोगों के माशाल्लाह से जो मैंने एक्सपीरियंस है, मैंने एक बात नोट की है कि हर लड़की ने अपनी लाइन उस कॉन्फिडेंस बोल दी। शैतान बनाया था और रुबीना के लिए बहुत सारी तालियां भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत ही अच्छा।
प्रोग्राम को इन्होंने बनाया। और फर्स्ट ईयर कॉमर्स से हुरिया और सेकंड ईयर आर्ट से उम्मा सलमा, सेकंड ईयर आर्ट से उम्मा सलमा हम असाध्या के तमाम कामों में साथ रहती हैं, कॉलेज की तरक्की में अपने असाध्या का साथ देती हैं। सो दुआ में जिसमें बेहतरीन कंपेयरिंग की एक इंतहा एक बात एक